यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम संस्कृत में चित्र लेखन, चित्र वर्णनम, जैसा कि आप हिंदी में भी चित्र के आधार पर वाक्य बनाते हो, सेम ऐसे ही संस्कृत में भी चित्र के आधार पर वाक्य बनाएंगे, वाक्य संस्कृत में बनाएंगे। जब आप इंग्लिश में पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हो तो आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो, छोटे छोटे से सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए चित्र को देखकर, उस चित्र में जो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम संस्कृत में चित्र वर्णनम, चित्र वर्णन के बारे में जानते हैं, और रचनात्मक कार्य, ये हमारा क्रिएटिव वर्क है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं अपने आप से। हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल दिया हुआ है, हमें वर्ड्स मिले हुए हैं, हम उन वर्ड्स से सेंटेंस बना रहे हैं और साथ में इस चित्र को देखकर। ओके बेटा, छोटे छोटे से सेंटेंस हम बनाएंगे, हमें खूब सारे वर्ड्स मिले हुए मंजूषा में। मंजूषा, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है मंजूषा। मंजूषा मीन्स एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें बहुत से वर्ड्स हैं। यस, लिसन थॉरली चार्वी। मंजूषा मीन्स एक हमारे पास ये बॉक्स है, मंजूषा का अर्थ होता है एक बॉक्स। मंजूषा वर्ड को आपने सेंटेंस में यूज नहीं करना, ठीक है। मंजूषा का मीनिंग तो ये है कि एक हमें बॉक्स मिला हुआ है, उसमें ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले विद्यार्थी, इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, विद्यार्थी चित्रों को देखकर वाक्यों का निर्माण करें। चित्र को देखकर विद्यार्थी वाक्य बनाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण कीजिए। मंजूषा, ये मंजूषा है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक बॉक्स है और उसमें जो ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के आधार पर हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। वाक्यों की भाषा सरल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें मुश्किल वाक्य बनाने की कोशिश नहीं करनी। कुछ ऐसा नहीं है, आप सिंपल सा वाक्य लेकिन ठीक बना हुआ होना चाहिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। केवल 5 वाक्यों का निर्माण करें, और केवल आपको 5 वाक्य बनाने हैं। 5 मार्क्स के 5 सेंटेंसेस, 1 मार्क फॉर ईच सेंटेंस। ओके बेटा, छोटे छोटे से वाक्य देखिए, नीचे चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, ये चित्र एक उद्यान का है, बगीचे का है। उद्यानम, उद्यानम मीन्स बगीचा। अब आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ज्यादातर वर्ड तो संस्कृत और हिंदी के मिलते हैं, लेकिन कहीं नहीं भी पता तो उसको हमें समझने की, सोचने की कोशिश करनी है चित्र में देखकर भी। यहाँ पर देखिए, एकम, एकम मीन्स एक, एकम उद्यानम, एक बगीचा। हम हिंदी में बनाकर देखें कि इस चित्र में एक बगीचा दिखाई दे रहा है या एक बगीचा है, ठीक है, पहले हिंदी में सोचा हमने। फिर बालकाहा, बालकाहा बच्चे। शोभनम अच्छा या सुंदर। विशालम बहुत बड़ा। अस्ति है, ठीक है। वृक्षाः वृक्ष है। संति है। क्रीडन्ति खेलते हैं। पुष्पाणि फूल। सुंदराणि सुंदर। पूजन्ति पूकते हैं। अत्र यहाँ, यहाँ पर देखिए, जब हमने इन शब्दों की हिंदी कर ली तो छोटे छोटे से सेंटेंस हम संस्कृत में बनाने की कोशिश करें। जैसे देखिए, एतत एकम उद्यानम अस्ति, यह एक बगीचा है। यहाँ पर देखिए, एतत एतत हमने कुछ वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए अपने आप से भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वर्ड्स जो हैं हमें वो अपने आप से भी इसमें मैनेज करने होते हैं। एतत एकम उद्यानम अस्ति, अभी मैं आपसे रीड आउट करवाऊंगी और प्रोनंसिएशन भी आपको आना चाहिए कि क्या कैसे बोला जाए।
एकम उद्यानम, देखिए ये नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग वर्ड बनाकर लगाएंगे, यहाँ तो बना ही हुआ है, ठीक है। एकम उद्यानम, एकम उद्यानम, अब यहाँ देखो अस्ति, सिर्फ आपने क्या लगाया इसमें एतत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है उद्यानम शोभनम विशालम च अस्ति, यहाँ देखिए उद्यानम फिर से हमने वो वर्ड को रिपीट किया, उद्यानम शोभनम सुंदर विशालम च अस्ति और बड़ा है। संस्कृत में जब भी च का प्रयोग करते हैं, च का मतलब होता है और, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हैं और हिंदी में और कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जब और शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो और हम दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, लेकिन संस्कृत में रामः श्यामः च, ठीक है, संस्कृत में दोनों वर्ड के बाद में आता है च, च मीन्स और। ऐसे ही यहाँ पर देखिए उद्यानम शोभनम विशालम च अस्ति, बगीचा सुंदर और बड़ा है। शोभनम विशालम ये बगीचे की विशेषता बताई गई है, तो इन दोनों विशेषताओं के बाद में च लगाया। समझ में आ गया सबको? शो मी थम, गॉट इट? यस, वेरी गुड। यस चार्वी, ओके गुड, वेरी गुड। सक्षम, वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अत्र सुंदराणी पुष्पाणी वृक्षाः च सन्ति, फिर देखिए च का प्रयोग हुआ, यहाँ अत्र, यहाँ पर दिया हुआ है अत्र मीन्स यहाँ, सुंदराणी पुष्पाणी, देखो सुंदराणी पुष्पाणी सुंदर फूल, यहाँ क्या है सुंदर फूल, सुंदराणी पुष्पाणी, फिर वृक्षाः च सन्ति, यहाँ पर सुंदर फूल और वृक्ष हैं, फूल और वृक्ष दो हैं, तो इसलिए फूल और वृक्षों के बाद में च लगा, ठीक है। अत्र सुंदराणी पुष्पाणी सुंदर फूल और वृक्ष हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए उद्याने बालकः क्रीडन्ति, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, उद्याने उद्यान में, हमने इसकी विभक्ति अपने आप से सेटल की है कि सप्तमी विभक्ति बनाए, जैसे देवे देवे पुस्तके, ऐसे सोचो मन में कि उद्यान में पुस्तक में, तो कौन सी विभक्ति आएगी, यहाँ पर उद्याने बालकः क्रीडन्ति, उद्यान में बच्चे खेलते हैं। यह समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अत्र दोलहा अपि संति, दोलहा यहाँ पर क्या है, दोला मीन्स झूला, ये देखिए झूला, ये यहाँ झूले भी हैं, ये भी झूला है, ये भी झूला है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर क्या है अत्र दोलहा अपि संति, अपि मीन्स भी, संति मीन्स हैं, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग सोच कर समझ कर फिर आप सेंटेंस बनाएंगे। दोबारा से देखिए, एतत एकम उद्यानम अस्ति, ये एक बगीचा है, हम चित्र को देखें वास्तव में एक बगीचा है, उद्यानम शोभनम विशालम च अस्ति, बगीचा सुंदर और बड़ा है, देखिए वाक्य ही सुंदर और बड़ा है, अत्र सुंदराणी पुष्पाणी वृक्षाः च सन्ति, यहाँ सुंदर फूल और पेड़ है, यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल आपको पेड़ दिखाई देंगे, उद्याने बालकः क्रीडन्ति, वाक्य में ही यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, अत्र दोलह अपि सन्ति और यहाँ झूले भी हैं। यहाँ देखिए बेटा जितने भी वर्ड्स हैं कोई एक आध रह गया हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे वर्ड्स यूज किए हैं, सारे वर्ड्स यूज किए हैं ना सेंटेंस में, तो आपको इसी प्रकार से ये चित्र लेखन छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर करना है। मैं इसको इस फॉर्मेशन में भी दे सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दे दूं कि एतत एतत एकम, एतत एकम और उसके बाद में मैं डैश दे दूं कि यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में से देख कर लिखो, तो आप यहाँ से देख कर भी लिख सकते हो, मैं इस फॉर्मेशन में भी दे सकती हूँ।
यस नेक्स्ट देखिए, जैसे उद्यानम शोभनम डैश च अस्ति, फिर आप यहाँ से विशालम, मैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकती हूँ कि इसी मंजूषा में से वर्ड्स लेकर फिल इन द ब्लैंक्स को चित्र देखकर पूरा करें। समझ में आ गए? इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि बच्चों के लिए इजी वे, हर तरीके से इजी वे देखा जाता है कि आसान तरीका जिससे बच्चों को समझ में भी आए और बच्चे किसी भी तरीके से कर भी सके। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अगला चित्र है हमारे सामने, यहाँ पर एक विद्यालय का चित्र है, स्कूल लिखा भी हुआ है, आपको देखकर भी पता लग सकता है कि बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, बैग बच्चों के हाथ में है, और यहाँ पर क्या है, गाय है, ये देखिए ये पेड़ है, जो भी सीन आपको दृश्य दिखाई दे रहा है आपके सामने है। तो आप इसके वर्ड्स देखेंगे, पहले देखिए मंजूषा में विद्यालय, विद्यालय है, एकः एक विद्यालय है, एकः विद्यालय अस्ति, है ना, ये है दिखाई दे रहा है ना आपको, सर्वे सब, ये बच्चों के लिए कहा गया है, अस्य इसके, छात्राः सन्ति छात्र हैं, छात्राः सन्ति चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, छात्राः सन्ति हैं, जिसको आप इंग्लिश में आर कहते हैं, बहुवचन है, पठन्ति पढ़ते हैं, भ्रमतः भ्रमतः मीन्स घूमते हैं, दो घूमते हैं, अस्मिन चित्रे, अब ये वर्ड देखिए जरा यहाँ पर, अस्मिन चित्रे का अर्थ होता है, यस चार्वी चार्वी लिसन, अस्मिन चित्रे मीन्स इस चित्र में, पहले सेंटेंस में ही हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे एक विद्यालय अस्ति, इस चित्र में एक विद्यालय है, देखो अपने आप से वाक्य बन जाता है, अस्मिन चित्रे एक विद्यालय अस्ति, इस चित्र में एक विद्यालय है, बही बही मीन्स बाहर, विद्यालयात विद्यालयात मीन्स विद्यालय से, विद्यालय से पंचमी विभक्ति है, जैसे देवात पंचमी विभक्ति, वृक्षाः अनेक वृक्ष, ग्रामः ग्राम गांव, धेनु धेनु मीन्स गाय, और कुक्रः कुक्रः मीन्स कुत्ता, तत्र वहां, च मीन्स और, आप देखिए जो आपके पास बुक इस समय सामने है उसमें आप हिंदी में भी मीनिंग लिख सकते हैं, यस सी केयरफुली सी योर बुक, आप हिंदी में मीनिंग लिखिए इन वर्ड्स के, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना और सेंटेंस बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया, क्या वाक्य बनाया देखिए, हमने वाक्य बनाया, सबसे पहला वाक्य, अस्मिन चित्रे एकः ग्रामः अस्ति, अस्मिन चित्रे एकः ग्रामः अस्ति, बेटा ये पेज नंबर 136 है, 136, ओके, यू कैन सी, यू आर आस्किंग, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, यस, नाउ सी, अस्मिन चित्रे एक ग्रामः अस्ति, इस चित्र में एक गांव है, ये गांव का दृश्य, और गांव में विद्यालय है, देखिए एक गांव का दृश्य है और यहाँ पर गांव में विद्यालय है, ठीक है, जैसे हमारा शहर में है ऐसे गांव में भी तो एक स्कूल होगा, अस्मिन चित्रे इस चित्र में एक ग्रामः अस्ति, एक गांव है, तत्र एक विद्यालय अस्ति, तत्र यहाँ पर देखिए तत्र वहां, एक विद्यालय अस्ति, वहां एक विद्यालय है, ठीक है, विद्यालयात बहिः वृक्षाः सन्ति, और विद्यालय के बाहर क्या है, विद्यालय के अंदर तो नहीं है, विद्यालय के बाहर हमें क्या दिखाई दे रहा है, विद्यालय के बाहर क्या है, वृक्ष है, विद्यालयात बहिः, बहिः मीन्स बाहर, ओके, धेनु कुक्रह च तत्र भ्रमतः, धेनु धेनु मीन्स गाय, अभी आपने देखा चित्र में धेनु गाय और कुक्रह कुत्ता, धेनु कुक्रह च तत्र भ्रमतः, गाय और कुत्ता वहां घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भ्रमतः आया क्योंकि ये दो हैं,
देनु एक गाय है, कुकुरह एक कुत्ता है, और च दोनों के लिए और देनु गाय और कुत्ता। मैंने आपको बताया ना कि च दोनों शब्दों के बाद में लगता है। तत्र भ्रमतः, वहां घूमते हैं। नाउ सी, छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। और क्या है, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। हमने इस चित्र में जो कुछ भी देखा वो सभी सेंटेंस यहाँ पर बनाए। दोबारा से देखिए, देखिए हम आप सेंटेंस बनाने के बाद उसको रीड आउट भी करके देखिए कि मैंने सेंटेंस सही भी बनाया, कहीं कोई गलती तो नहीं की। आप उसकी हिंदी करके देखिए, संस्कृत में बनाकर देखिए, क्योंकि आपको तो संस्कृत में बनानी है, संस्कृत का एग्जाम है। आप हिंदी के पेपर में हिंदी में सेंटेंस लिखते हो, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में लिखते हो, तो संस्कृत के पेपर में संस्कृत में ही बनाएंगे बेटा। अस्मिन् चित्रे एकः ग्रामः अस्ति, इस चित्र में एक गांव है। तत्र एकः विद्यालयः अस्ति, वहां एक विद्यालय है। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। धेनु कुकुरः च तत्र भ्रमतः, गाय और कुत्ता वहां घूम रहे हैं। छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। इसको फिर मैं उसी पैटर्न से, उसी तरीके से, उसी स्टाइल से बता रही हूँ जैसा कि आपको एग्जाम में भी आ सकता है, कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से आपको लिखने के लिए आ सकता है। ये देखिए, अस्मिन् चित्रे, यहाँ पर मैं डैश दे दूं, दो डैश दे दूं, एक ग्रामः, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं डैश दे दूं, डैश एक ग्रामः अस्ति, तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तत्र एक और डैश दे दूं, तो आप लिखेंगे विद्यालयः, वहां एक विद्यालय है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपको हम दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से, जैसे बच्चे आसान तरीके से लिख सके, आसान तरीके से समझ सके, आसान तरीके से अपने आंसर देने में सक्षम हो सके, हम वैसे ही दे सकते हैं। विद्यालयात बही, अब विद्यालयात बही डैश संति क्या है, वृक्षाः संति। धेनु कुकुर है, यहाँ पर मैं दे दूं डैश, डैश कुकुर है च, डैश कुकुर है च तत्र भ्रमतः, तो आपको पता लगेगा कि कुकुर तो दिया हुआ है और च भी दिया है, तो यहाँ धेनु दो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, धेनु और कुकुर, ठीक है। कुकुर मीन्स कुत्ता और कुकुर मीन्स कुत्ता, धेनु मीन्स गाय। धेनु कुकुर च तत्र भ्रमतः। नेक्स्ट देखिए, छात्रः डैश गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। डैश विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रः विद्यालयं डैश, छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति। कोई भी वर्ड हम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको दे सकते हैं। ओके, कितने बच्चों को ये समझ में आया कि कैसे आप चित्र लेखन लिखेंगे? यस, छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने होंगे आपको। चिल्ड्रन, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। और अभी मैं आपसे रीड आउट करवाऊंगी, तो आप रीडिंग करेंगे, आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है। कुछ भी मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी अभी पूछ सकती हूँ। यस, ओके बेटा, सभी बताइए जरा, भूमिका, भूमिका सब समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। अर्णव सिंह, अर्णव सिंह तोमर, ओके। आन्या पाली, आन्या पाली, आन्या पाली, सब समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी नाइस, माय चिल्ड्रन आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। यस कनिष्का, व्हाट अबाउट यू कनिष्का? ओके भूवी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, यू कैन डू। अनुष्का, उन्नति, ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। बेटा आपको मैं और भी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दूंगी, आप उसमें भी और इसी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी, और साथ ही आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी दूंगी, तो उसको आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो
निश्चय ही आप अच्छे तरीके से चित्र लेखन कर सकेंगे।